सो गाइस, यहाँ पे यूट्यूब पे हमने एक पोस्ट किया था, कम्युनिटी पोस्ट। एज यू कैन सी, यहाँ पे हमारे चैनल पे जाएंगे और यहाँ कम्युनिटी में जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने पूछा था कि आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट इन्फिनिक्स हॉट टेनिस। आई ड्रॉप ए स्पेशल वीडियो फॉर यू गाइस, मतलब कि आपके मन में जो भी सवाल है इन्फिनिक्स हॉट टेनिस से रिलेटेड, उससे आप सवाल कीजिए। तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे अपने अपने क्वेश्चन पूछे हैं गाइस। यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग सवाल हैं जो कि जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप ये फ़ोन को बाई करना चाहते हैं दोस्तों। तो गाइस, यहाँ पे इस वीडियो में मतलब आज आपको पूरे डिटेल में मैं बताऊँगा, सभी क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्त। तो ये वीडियो को देखते रहिए एंड तक गाइस। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। वैसे टेक्नो पोवर 2 भी जल्दी आ रहा है। और गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं बोल दूँ कि थैंक यू सो मच, हमारे 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त, 10K प्लीज़ पहुँचा दीजिए इस साल 6 के लिए गाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये रहा हमारा इन्फिनिक्स हॉट टेनिस। और गाइस, लेते हैं पहला सवाल। तो गाइस, ये पूछे हैं शुभम राठौर, हाउ ओल्ड इज़ योर हॉट टेनिस एंड इज देयर एनी लैग और हैंगिंग प्रॉब्लम विथ इट इन गेमिंग और डे टू डे यूजेस एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट एनी अपकमिंग अपडेट्स। तो गाइस, यहाँ पे ये फ़ोन हमारा जो है ये 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है इसको यूज़ करते हुए। गेमिंग में गाइस मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिली और कोई लैग्स भी नहीं देखने को मिले। वैसे फ्री फायर टेस्ट रिसेंटली फिर से आएगी गाइस, तो वहाँ पे आप देख सकेंगे। और यहाँ पे गाइस अपडेट की बात करें तो बहुत ही घटिया यहाँ पे अपडेट के मामले में मैं कहूँगा गाइस। अपडेट फ़ोन आता है और अपडेट करते करते लगभग आपको 1 घंटा टाइम लग जाता है। ये गाइस मैंने एक वीडियो बनाया, वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप सिंपली सर्च करेंगे इन्फिनिक्स हॉट टेनिस अपडेट GIG वसीम, ऐसे करके गाइस आप सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया जब अपडेट आया था, तो गाइस ये वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया था कि आपको कैसे मतलब ये मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब आप इसको अपडेट करते हैं गाइस। तो उम्मीद है दोस्त आपका ये सवाल यहाँ पे मतलब इसका जवाब मैं ठीक ठाक दे पाया हूँ दोस्त। अब दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल की बात करें तो ये भाई पूछे हैं साई निरंजन गाइस कि इज़ एडिटिंग एप्स वर्किंग इन इन्फिनिक्स हॉट टेनिस, मतलब कि यहाँ पे क्या हम एडिट कर सकते हैं या नहीं। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये है काइन मास्टर, सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सपोर्ट करके भी दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा ये सपोर्ट कर। तो गाइस, यहाँ पे डिवाइस कैपेबिलिटी आप देख सकते हैं, 1080p पे आप मैक्स इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे गाइस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेयर्स को ऐड करके आपको दिखा दूं। तो गाइस, यहां से फ़ोटो से हम कुछ भी ऐड कर लेते हैं। ओके गाइस, ये एक लेयर हो गया और यहां से गाइस हम दूसरा लेयर भी ऐड करते हैं। तो ये हमारा दूसरा लेयर ऐड हो गया गाइस, तो ऐसा कुछ। और यहां पे अगर एक्सपोर्ट करें तो यहां पे मैक्सिमम देखेंगे कि 1080p 30fps तक ये जाता है। बाकी गाइस आप सेटिंग से 60fps भी कर सकते हैं गाइस, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। जैसे गाइस यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको नीचे में मिलता है एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो अलाउ एक्सपोर्ट फ्रेम रेट अप टू 60fps, सिंपली इसको आप इनेबल कर देंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे अगर आप अब एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको 60fps तक मिल जाएगा। तो गाइस सिंपली आप चाहें तो 60fps पे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी G85 प्रोसेसर है तो थोड़ा स्लो होगा, बट हाँ गाइस आप कर सकेंगे इसमें। अब दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट सवाल आता है एमबोट, पता नहीं क्या नाम लिखे हैं भाई साहब ये, इज़ एनी इशू इन दिस फोन, आई विल बुक इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट विद इन 2 डेज़। तो गाइस, यहाँ पे मुझे इशू कोई भी देखने को नहीं मिली और 10,000 में मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा ये फ़ोन है। बैटरी बैकअप कमाल का देता है, गेमिंग मस्त चलती है गाइस। यहाँ पे कोई भी मुझे लैग स्टटर्स नहीं देखने को मिलते हैं, तो ये आप चाहे तो बुक कर सकते हैं दोस्त। और इसके ठीक नीचे गाइस यहाँ पे फिर से वही सवाल है USA मॉनी बॉय, ब्रो प्लीज़ टेल मी दिस फोन इज़ परफेक्ट फॉर गेमिंग एंड हाउ ओल्ड इज़ योर फ़ोन। तो गाइस, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये फ़ोन 2 महीने मतलब हो चुके हैं इसको यूज़ करते, और यहाँ पे गाइस मुझे कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिला, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, नो डाउट गाइस यहाँ पे आप इसको चूज़ कर सकते हैं गाइस। अब दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आता है, ये भाई साहब पूछे हैं सेक्रेट वाई वसीम भाई, इन्फिनिक्स हॉटनेस गेम खेलने के बाद हीट होता है क्या। तो गाइस, यहाँ पे मैं बता दूं कि गेम खेलते समय हर फ़ोन हीट होता है, चाहे वो गेमिंग फ़ोन हो, एसुस रोग हो या मी 20 या कितना भी महंगा फ़ोन ले लें, वो हीट होता है। बट यहाँ पे हीटिंग इशू की बात करें तो यहाँ पे हीटिंग इशू नहीं है, गेम खेलेंगे तो फ़ोन ज़रूर हीट होगा, बट यहाँ पे हीट की वजह से आपको लैग स्टटर्स देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं बता सकता हूँ। और मतलब उतना ज़्यादा हीट नहीं होता जिससे आपको तकलीफ़ हो, तो ओवरऑल तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता और यहां पे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्त।
और यहाँ पे गई नेक्स्ट सवाल आता है कॉन्ग्रेचुलेशन गेमर। पता नहीं ये इनका मतलब, सवाल मैं उतना नहीं समझ पाया, बट इनका कहने का मतलब ये है कि फुल डिस्प्ले में फ्री फायर प्ले होता है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे इसमें ऑप्शन नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते। और गाइस कंपनी वाले से मैंने बात भी किया, उस पर एक वीडियो भी डाला था, उनसे बात किया था, तब भी वो गाइस यही इधर उधर बात करके निकल गए, बट कोई मतलब ऑप्शन नहीं दिए दोस्त। यहाँ पे गाइस नेक्स्ट जो है वो सवाल नहीं है, ये एजेस अभय का कमेंट है गाइस कि हेलो ब्रो आई ऑलवेज सपोर्ट यू। तो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। अब दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट सवाल जो है वो है यहाँ पे गेमिंग विथ स्टूपिड वाईटी। यहाँ पे ये पूछे हैं कि गिव मी सोम कैमरा ट्रिक, कैमरा का कुछ टिप्स और ट्रिक ये बोल रहे हैं गाइस, और गेम बूस्ट ट्रिक के बारे में। तो गाइस यहाँ पे गेम जोन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर दिया, यहाँ पे आप सर्च करेंगे गेम जोन तो आपको मिल जाएगा गेम जोन इन्फिनिक्स। भाई किधर गया इन्फिनिक्स हॉट 10 एस। तो गाइस यहाँ पे आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। पता नहीं हमारी वीडियो कितने नंबर पे है, बट यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे बहुत ही कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। ये है गाइस, कोई और मत देखिएगा। तो यहाँ पे मतलब ये वीडियो आप देख लेंगे। और कैमरा की बात करें गाइस तो यहाँ पे कैमरा मुझे मतलब इसका बेकार लगा सच कहूँ तो। 48 मेगापिक्सल है, बट 48 मेगापिक्सल से ये होता है गाइस कि आप जूम कर सकते हैं ज़्यादा मैक्स तक, बट यहाँ पे अगर फोकसिंग की बात करें तो ये फोकस नहीं कर पाता है। अगर आप टैप करके चाहें किसी चीज़ को फोकस कर ले ऐसे तो कर लेंगे, बट लॉक नहीं कर सकते, ये जो है ना शटर को लॉक नहीं कर सकते, इसके वजह से गाइस ये ऑटोमेटिक फोकसिंग को छोड़ देता है गाइस बेसिकली। तो यहाँ पे कैमरा में मैं उतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ, बट ठीक ठाक काम चला लेगा गाइस। तो यहाँ पे टिप्स की कोई बात ही नहीं, सबसे पहले ये फोकसिंग का वर्क अगर अच्छा से ये कर पाता, शटर को हम लॉक कर पाते, तब जाके मैं कहता कि अच्छा वर्क कर रहा है दोस्त। तो दोस्त यहाँ पे एक भाई का और क्वेश्चन है, ब्रो इन्फिनिक्स हॉट 10 एस हिट होता है या का होता है या नहीं गाइस। तो यहाँ पे मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एक भाई कमेंट भी किए हैं कि लिटिल बिट हिट व्हेन आई एम प्लेइंग सीओडी, मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी प्ले करते हैं तो इनको थोड़ा हिट महसूस होता है, बट गाइस यहाँ पे फ्री फायर में मुझे कोई हिटिंग इशू नहीं देखने को मिली, इतना मैं बता सकता हूँ दोस्त। अब यहाँ पे गाइस नेक्स्ट सवाल की बात करें तो ये पूछे SKYBIR, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करा जाता है गाइस। यहाँ पे पूछे फ्री फायर सेंसिटिविटी टेस्ट फुल। तो गाइस यहाँ पे हमने फ्री फायर टेस्ट किया है, रेडमी 9 प्राइम से कंपेयर किया है, वो वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पे सेंसिटिविटी के बारे में मैंने डिटेल में बताया। ऐसे हम फ़ोन से कंपेयर करके सेंसिटिविटी को भी कंपेयर कर देते हैं, तो गाइस वो वीडियो आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा दोस्त। इसी के साथ गाइस नीचे में मिलता है हाउ टू फुल स्क्रीन। तो गाइस ऑलरेडी मैंने बता दिया कि फुल स्क्रीन इसमें नहीं कर सकते हैं गाइस, तो ये एक दिक्कत देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे गाइस नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, तो हाउ टू चेंज द थीम लाइक मी वाई प्लीज़। तो गाइस यहाँ पे थीम की जो बात है तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, जैसे गाइस यहाँ पे अगर आप MIUI के तरह यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली जैसे कि यहाँ पे आप अगर जाते हैं प्ले स्टोर में और यहाँ पे आपको थीम मिल जाता है, जैसे कि पोको लॉन्चर हो गया, एज यू कैन सी इस पे मैंने एक और वीडियो बना चुका है गाइस, तो वो वीडियो आप देखेंगे कस्टमाइजेशन वाला तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से ये पोको लॉन्चर को अगर आप यूज़ कर लेंगे दोस्त तो आपको काफ़ी सिमिलर और काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और कंट्रोल सेंटर MIUI की तरह चाहिए तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर ऐसे कुछ सर्च करना होगा, MIUI एज यू कैन सी दोस्त, तो यहाँ पे ये आप सर्च करेंगे और सिंपली गाइस इसको इंस्टॉल कर लेंगे। कुछ 6.9 MB का है, मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ दोस्त। तो दोस्त ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अभी देखें कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है ये। अब यहाँ पे गाइस इसको ओपन करते हैं सिंपली, और ओपन करने के बाद गाइस देखिए सेटअप कैसे करना होता है गाइस, और ये उतना अभी एक्यूरेटली वर्क नहीं करता है गाइस। यहाँ पे बग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बट हाँ गाइस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल पे कर देते हैं गाइस, और ये पता नहीं पैसा मांग रहा है हमसे, पैसे हम नहीं देंगे, और ट्रायल लिमिटेड पता नहीं कुछ क्या। तो गाइस यहाँ पे इसको इनेबल करते हैं, देखते हैं क्या होता है गाइस, और इसको इनेबल करेंगे, फिर इसको इनेबल कर देंगे, और गाइस ये हमारा शायद से वर्क करने लगा एज यू कैन सी दोस्त। अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये हमारा MIUI के जैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे अगर होम स्क्रीन पे जाए, ऐसे अगर आप नीचे से स्वाइप करेंगे तो ये हमारा इन्फिनिक्स वाला आएगा, और अगर आप यहाँ से स्वाइप करते हैं तब आपको ये देखने को मिलेगा। तो गाइस काफ़ी मस्त लग रहा है, बट यहाँ से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा इस साइड से, और इस साइड से कंट्रोल सेंटर लाइक MIUI यहाँ पे मतलब रेडमी जैसे, तो ऐसे आप कर सकते हैं दोस्त, बट यहाँ से आप खींचेंगे तो ये पुराना वाला आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा दोस्त। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल की बात करें तो ये है नफीसुल इस्लाम।
बेसिकली ये बांग्लादेश से हैं गाइस, तो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए गाइस। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि सब लोग बोल रहे हैं कि 12 मेगापिक्सल इसके अंदर है, तो आप वीडियो बनाओ इसके बारे में गाइस। तो यहाँ पे मैं कहूँगा आपको, मैं लाइव दिखाता हूँ गाइस। 48 मेगापिक्सल से ये होता है गाइस कि अगर आप पिक क्लिक करते हैं तो गाइस वहाँ पे 4 times आप जूम कर सकते हैं। वही 12 मेगापिक्सल से अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप जूम नहीं कर सकेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये अभी नॉर्मल पिक है, देखिए ये नॉर्मल है, 48 के लिए स्पेशल दिया हुआ है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल में एक पिक क्लिक कर लिया, ये नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों अब यहाँ पे 48 में एक क्लिक करते हैं, 2 pic हमने क्लिक कर लिया। अब गाइस यहाँ पे 48 वाला देखिए आपकी कितना ज़्यादा जूम हुआ। ये गाइस हमारा नॉर्मल है, 12 मेगापिक्सल से ये शॉट हुआ गाइस। तो देख सकते हैं हम इतना जूम कर पा रहे हैं एज यू कैन सी। और वहीं पे आप देखिए गाइस यहाँ पे ये 48 वाला आप कितना ज़्यादा जूम कर पाएंगे एज यू कैन सी। तो गाइस ये 48 मेगापिक्सल आप 4 times जूम कर सकते हैं, और 12 मेगापिक्सल जो होता है वो आप 2 times ही जूम कर सकते हैं एज यू कैन सी। यहाँ पे इतना जूम हुआ, और यहाँ पे गाइस आप अगेन कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे वो नहीं दिया है डबल टैप करके, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जूम इसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे 48 मेगापिक्सल है, बट मतलब 12 मेगापिक्सल सिर्फ नहीं है, आपको अलग से एक मोड देखने को मिलता है 48 को इनेबल करके पिक क्लिक करना होता है दोस्त। और गाइस नेक्स्ट सवाल ये आता है, इमोन हुसैन फ़ोन पे जब नोटिफिकेशन आता है तब उसको हटाना चाहते हैं बट वो हटता नहीं, ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स करेंगे इस। तो यहाँ पे मेरे फ़ोन में वो तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि मैं गाइस यहाँ पे कोई मैसेज सेंड करके आपको दिखाता हूँ सिंपली। तो दोस्त जैसा कि यहाँ पे हम एक मैसेज सेंड करते हैं यहाँ पे हेलो, और यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा गाइस एज यू कैन सी। और यहाँ से रिमूव तो कर सकते हैं आसानी से, यहाँ पे कोई इशू नहीं, आप देख सकते हैं हम आपके सामने कर रहे हैं गाइस। तो ये कोई इशू तो नहीं हो रहा, पता नहीं आपको कैसे ये इशू फील हो रहा है, बट यहाँ पे गाइस कोई भी नोटिफिकेशन पे इशू नहीं हो रहा है। जैसे गाइस यहाँ पे अगर हम यूट्यूब में भी जाते हैं और यहाँ से हम मैसेज सेंड करते हैं और ये आया गाइस, और इसको हम रिमूव कर देते हैं, कोई इशू नहीं। पता नहीं आपको ये दिक्कत क्यों हो रही है गाइस, आप कमेंट कीजिए। और हो सके तो गाइस इंस्टाग्राम पे आप सेंड भी कर सकते हैं, हमारे जो चैनल है इंस्टाग्राम पे, चैनल नहीं कि बेसिकली हमारे अकाउंट पे आप मैसेज भी कर सकते हैं वीडियो करके, या स्क्रीन रिकॉर्ड करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं दोस्त। अब दोस्त यहाँ नेक्स्ट सवाल की बात करें तो फुल स्क्रीन कैसे खेले, फुल स्क्रीन कैसे करें। तो गाइस तो इस पर ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि फुल डिस्प्ले इसमें नहीं प्ले कर सकते, सॉरी गाइस मैं कुछ नहीं कर सकता। काफ़ी ट्रिक भी हमने यूज़ किया बट वहाँ पे गाइस नहीं हो पाया, तो इसके लिए सॉरी। और दोस्त यहाँ पे मिलता है नेक्स्ट सवाल आसिफ हसन, टच इशू है क्या गाइस। तो इसका मैंने एक रिव्यू किया है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे GIG वसीम आपको लिखना पड़ेगा, उतना हमारा चैनल पॉपुलर नहीं है फिलहाल दोस्त। तो यहाँ पे आपको नाम लिख देंगे चैनल, उसके बाद इन्फिनिक्स हॉट 10 एस लिख कर आप गई सिंपली सर्च करेंगे तो वो सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। तो गई वहाँ पे हमने इसका रिव्यू किया है, आप देख सकते हैं ये वाला वीडियो है गई यहाँ पे। तो गाइस ये वीडियो आप ज़रूर से देख सकते हैं, फुल रिव्यू किया है हमने। तो यहाँ पे बताया कि टच इशू है या नहीं, और वैसे गाइस वहाँ पे मैंने डिटेल में दिखाया भी कि क्या दिक्कत इसमें देखने को मिलती है दोस्तों, कुछ ऐसा यहाँ पे रहता है। अब दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आता है कि इसमें क्या एडिटिंग कर सकते हैं विथ गेमिंग। तो गाइस मतलब फ्री फायर का रिकॉर्ड करके एडिटिंग करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैंने दिखा दिया कि काइनमास्टर से आप यूज़ करके मतलब काइनमास्टर को एडिट कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट सवाल आता है इन्फिनिक्स हॉट 10 गाइस फिलहाल अभी नहीं है मेरे पास, वो कब का मतलब सोल्ड कर चुका हूँ गाइस, तो वो अभी मेरे पास नहीं है, तो उस पर कोई वीडियो तो फिलहाल नहीं दे सकता। यहाँ पे गाइस नेक्स्ट सवाल आता है ब्लैक मामा 2021 गाइस डिस्प्ले कंपनी, पता नहीं इनका सवाल मुझे समझ में ही नहीं आया, तो भाई क्या कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे गाइस ये सवाल पूछे हैं, फ्री फायर का FPS टेस्ट करना अल्ट्रा ग्राफिक पे बिना किसी कट के, प्लीज़ 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 प्लीज़। मतलब कि गाइस यहाँ पे फ्री फायर को हम टेस्ट करें अल्ट्रा ग्राफिक पे FPS के साथ में। तो गाइस चलिए मैं आपको वो भी करके दिखाई देता हूँ दोस्त। तो गाइस सबसे पहले FPS को इनेबल करने के लिए हमें सेटिंग में जाना होगा, यहाँ पे गाइस डेवलपर ऑप्शन में हमको जाना होगा। तो ये हम गए डेवलपर ऑप्शन में, यहाँ पे गाइस हमें ऑप्शन देखने को मिलता है, किधर है भाई, तो गाइस वो कहाँ है ग्राफिक ड्राइवर प्रेफरेंस, ये नहीं है गाइस, किधर है उसको ढूंढना पड़ेगा दोस्त, तो ढूंढते हैं हम। तो गाइस यहाँ पे नीचे में देखने को मिलता है शो रिफ्रेश रेट, तो गाइस सिंपली इसको हम इनेबल करेंगे और ये देख सकते हैं अभी 90 Hz पे हमने सेलेक्ट किया है इस डिवाइस को, तो 90 Hz पे रन कर रहा है। तो गाइस अब चलते हैं सिंपली हम फ्री फायर में,
और यहाँ पे गाइस फ्री फायर मैक्स भी इंस्टॉल कर लिए हैं, इसका फ्री फायर टेस्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगा, बाकी फ्री फायर यहाँ पे आज अभी देखते हैं। तो गाइस गेम में स्विच करते ही ये 60 पे चला जाता है, बिकॉज ये गेम जो है वो मैक्सिमम 60 हर्ट्ज को ही सपोर्ट कर पाएगा दोस्त, तो इसीलिए ये 60 पे चला जाता है। और ये गेम अगर 90 FPS सपोर्ट करता है तो यहाँ पे 90 आपको शो होता है, बट देखते हैं कि गेम प्ले में ये कितना FPS प्रोवाइड कर पाता है दोस्त। तो दोस्त यहाँ पे सिंपली हम गेम में आ चुके हैं, सेटिंग में चल कर मैं आपको दिखा दूँगा इस। तो ये हम आ गए सेटिंग में, सेंसिटिविटी हमारा फुल है, कंट्रोल डिस्प्ले में चलते हैं इस। यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्रा सभी सेटिंग्स को हमने हाई पे रखा है एज़ यू कैन सी दोस्त। और यहाँ पे चलिए कोई गेम लगाते हैं, हम एक क्लास स्क्वायर लगाते हैं। वैसे हैंड कैम में गाइस प्ले नहीं कर पाता हूँ, काफ़ी दिक्कत होती है, सामने ये कैमरा लगा है ना इसके वजह से दोस्त। तो वैसे ही बस ट्राई करते हैं कि कितना FPS प्रोवाइड करता है। वैसे ये 60 पे एकदम अटका हुआ है, मतलब इससे ना कम हो रहा है ना ज़्यादा, बट गेम में देखते हैं कि गाइस ये डिक्रीज़ होता है या नहीं, या ऐसे ही 60 पे ही रहेगा दोस्त। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो दोस्त यहाँ पर आ गए हम, तो गाइस ये 60 पे ही मतलब अटका सा रह गया है, मतलब ये कुछ शो ही नहीं कर रहा, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, तो इसे तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगेगा। एज़ यू कैन सी ये 60 से ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है दोस्त, बस ये 60 शो कर रहा है। तो यहाँ पे कोई मतलब 60 पे रह नहीं सकता, कोई भी फ़ोन होगा तो FPS ड्रॉप करेगा और ज़्यादा करेगा, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं गाइस। तो यहाँ पे गाइस 60 पे ही अटका हुआ है एज़ यू कैन सी, तो यहाँ पे कोई आपको नहीं पता चल पाएगा दोस्त, सिंपली इतना मैं कह सकता हूँ दोस्त। वैसे मैं प्रो प्लेयर हूँ नहीं, बट यहाँ पे बस आपको दिखाना था। तो गाइस देख सकते हैं 60 पे ये अटका रहता है, तो यहाँ पे इसके थ्रू पता आप नहीं कर सकते बेसिकली। कोई और अगर लैपटॉप रहता मेरे पास तो बेसिकली मैं चेक करके बता देता, बट यहाँ पे नहीं है गाइस। तो बस यही था गाइस, और यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। अभी देखिए गाइस बैक करते ही 90 पे स्विच कर गया, तो ऐसा कुछ रहता है दोस्त। तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, आपके जितने सवाल थे वो पूरे हो चुके हैं गाइस, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही हम क्वेश्चन आंसर्स करते रहेंगे जो भी नए फ़ोन्स आएंगे उनका। तो दोस्त उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में जो इस फ़ोन को बाय करना चाहते हैं, वो इसके बारे में जान जाएंगे। तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त अलविदा।